हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ आज हम लोग बात करने वाले हैं RBI की क्या गाइडलाइंस है लोन रिकवरी को लेकर के, डिफॉल्ट कि किया अगर तो आप लोग उसमें में आपको लोन। क्या गाइडलाइंस है 2024 की, तो यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं। तो एक एक डिटेल्स में बात करेंगे यहाँ पे RBI की क्या क्या गाइडलाइंस है 2024 में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए इसी तरह के लोन रिगार्डिंग कंटेंट के लिए। ऐसे ऐसे वीडियो हम लोग बहुत लाते रहते हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर की हम लोग ने हेल्प की है। अगर आप लोग भी हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जा करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, अगर आप लोगों ने डिफॉल्ट किया है, कोई भी NBFC ऐप से पर्सनल लोन लिया है, या फिर आप लोग ने बैंक से पर्सनल या लोन लिया क्रेडिट कार्ड है, से लोन लिया है, तो उस पे भी कुछ कुछ यहाँ पे आप लोग को RBI की गाइडलाइंस है। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, क्या क्या गाइडलाइंस है। पहले आप बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने डिफॉल्ट कर लिया, बहुत सारे एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशन, पांच एप्लीकेशन, जितना भी मान लीजिए 136 NBFC एप्लीकेशन है, 136 से आप लोगों ने डिफॉल्ट कर लिया, तो आप लोग को मान लीजिए किसी से 10,000 लिया, किसी से 20,000 लिया, किसी से 40,000 लिया, किसी से 5,000 लिया, तो ऐसे ऐसे आप लोग ने बहुत सारे लोन ऐप से लोन ले लिया, तो आप लोग के साथ क्या क्या होगा यहाँ पे गाइडलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो है यहाँ पे आपको गाइडलाइंस है, एक एक से एक एक करके सब सुनेंगे। तो सबसे पहली जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सुनने के लिए, वो है पेनल्टी अमाउंट। जैसे कि आप लोग लोन लेते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आप लोग के ऊपर कुछ चार्जेस लगते हैं लोन लेने का, जो कि बोलते हैं प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह, ये सब होता है। तो उसमें भी आप लोग से ज्यादा अगर कभी लिया गया हो, अगर लिया जाता है तो उसको कम करने के लिए बोला गया। और जब आप लोग डिफॉल्ट करते हैं तो आप लोग के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए 1,000 रुपए का आप लोगों ने लोन लिया, 1,000 का लोन लिया पर आप लोग ने डिफॉल्ट कर दिया, तो उस पर लोग इतना पेनल्टी अमाउंट लगा देते हैं, इतना लगा देते हैं कि वो 1 साल बाद समझिए लाख रुपए में चला जाता है। 1,000 का आप लोग लोन लिया है और आपका पेनल्टी अमाउंट जुड़ गया, ये वो लोन अमाउंट हो गया 1 लाख का। बताइए आप लोग रिपेमेंट कीजिएगा उसका, नहीं कर पाइएगा। तो इसी पे RBI की गाइडलाइंस ये बोल रही है कि 1 जनवरी 2024 से आपका जो पेनल्टी अमाउंट है वो एकदम कम कर दिया जाएगा। हर NBFC को ये ऑर्डर दिया गया है कि पेनल्टी अमाउंट जो होगा वो कम किया जाएगा, पर ये चीज आपको सिक्योर्ड लोन और क्रेडिट कार्ड पे लागू नहीं होते। बाकी अगर आप लोग ने कोई भी NBFC एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लिया या बैंक से पर्सनल लोन लिया है तो ये नियम लागू होती है। दूसरा जो कि है कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी पे, तो उस पे साफ साफ RBI ने मना किया है कि आप लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं करेंगे, किसी का भी प्राइवेसी हैक नहीं करेंगे, किसी का भी गैलरी वगैरह हैक ना करके आप लोग जेन्यून तरीका से रिकवरी कीजिए। किसी को हरास करके नहीं, किसी को परेशान करके नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग के साथ ये सब उल्लंघन कर रहे हैं, ये लोग नियम का उल्लंघन करके आपसे को परेशान करके पैसे मांग रहे हैं, तब तो ये RBI की गाइडलाइंस पर नहीं है, तो आप इस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आप लोग जेन्यून डिफॉल्टर हैं तब तो आप लोगों को कुछ डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे RBI की गाइडलाइंस सुन लीजिए, तीन चार RBI की गाइडलाइंस है। तीसरा जो है रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट, तो अगर आप लोग डिफॉल्ट कीजिएगा तो रिकवरी एजेंट आएंगे ही आएंगे, तो उन लोग का टाइमिंग रखा गया, अगर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक ही आ सकते हैं विथ प्रॉपर आईडी, और पहले आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप लोग को वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं, आ जाते हैं आपके घर, तो ये RBI की गाइडलाइंस में नहीं है। और अगर आप लोग मना कर देते कि आप लोग यहाँ पे नहीं है, अभी आप लोग अब उनसे नहीं मिल पाएंगे घर पे, फिर भी वो लोग आकर के परेशान करते हैं आप लोग के घर वालों को, तो ये RBI की गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर वो लोग को आना है तो आपको पहले इन्फॉर्म करना होगा, उन लोग को आपको इन्फॉर्म करना होगा, फिर आप लोग अगर आप लोग नहीं मिल पाते उन लोग से, एक मान लीजिए कोई रीजन है नहीं मिल पाएंगे, तो अगर आप लोग उनको परमिशन नहीं देते आने का तब तो वो गलत है, अगर फिर भी आ जाते हैं तब वो गलत है। और चौथा गाइडलाइंस है टाइम को लेकर के, अगर आप लोग जेन्यून डिफॉल्टर है, आप लोग के पास सच में पैसे नहीं है, अगर आपके पास सच में पैसे नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पैसे हैं तो जरूर से जरूर उनका रिपेमेंट कर दें। तो चौथा गाइडलाइंस ये है कि आप अपने लिए वक्त मांग सकते हैं रिपेमेंट के लिए, कंपनी को मेल करके, कंपनी को अपना जेन्यून प्रॉब्लम बता करके आप उनसे वक्त ले सकते हैं। पांचवा क्या है, अगर आप लोग को बहुत सारे कॉल आते हैं तो वो बहुत सारे कॉल आना कम होंगे इस बार से,
और जो आप लोग को गाली देते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत धमकाते हैं, तो वो भी ये लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा आरबीआई की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है साफ साफ। तो अगर ये सब आप लोग के साथ नहीं होता है, ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग आरबीआई में एक कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप लोग को इस पे वीडियो चाहिए कि आप लोग कैसे ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है जिससे आप लोग हरास हो रहे हैं, वो आरबीआई की गाइडलाइंस पे नहीं हो, क्योंकि आप लोग ने जेन्यून डिफॉल्ट, आप लोग जेन्यून डिफॉल्टर, जानबूझ के आप लोग ने डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर आप लोग ने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, तब तो आपकी गलती है, यहाँ आप लोग के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बाकी जो जेन्यून डिफॉल्टर, उनके डरने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके जितना भी हेल्प हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।